हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सैमसंग S24 अल्ट्रा वर्सेस सैमसंग S23 अल्ट्रा। सैमसंग S24 अल्ट्रा जो कि जनवरी 2024 में रिलीज होगा और इसके प्राइस है $1,099, और सैमसंग S23 अल्ट्रा जो कि जनवरी 2023 में रिलीज हुआ था और इसके प्राइस है $999। इन दोनों के वेट की बात करें तो सैमसंग S24 अल्ट्रा 225 ग्राम का है और सैमसंग S23 अल्ट्रा 233 ग्राम का है। बिल्ड की बात करें तो सैमसंग S24 अल्ट्रा फ्रंट एंड बैक ग्लास है और टाइटेनियम फ्रेम है, और सैमसंग S23 अल्ट्रा फ्रंट एंड बैक ग्लास है और एल्युमिनियम फ्रेम है, और दोनों मोबाइल डुअल सिम सपोर्टेड हैं। और अब हम बात करेंगे इन दोनों मोबाइल के डिस्प्ले की, तो सैमसंग S24 अल्ट्रा और सैमसंग S23 अल्ट्रा दोनों ही डायनामिक एमोलेड 2X है 16M कलर के साथ, और दोनों का साइज भी तकरीबन सेम ही है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों का रेजोल्यूशन 2K है और PPI डेंसिटी भी तकरीबन सेम ही है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों मोबाइल का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी तकरीबन सेम ही है। इन दोनों की प्रोटेक्शन की बात करें तो सैमसंग S24 अल्ट्रा में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 3 लगा हुआ है और सैमसंग गैलेक्सी S23 में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगा हुआ है। और अब हम बात करेंगे इन दोनों मोबाइल के कैमरा की, तो सैमसंग S24 अल्ट्रा में क्वाड कोर सेटअप दिया गया है जिसमें मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल वाइड, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो पेरिस्कोप टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा लेंस है, और ये मोबाइल 8K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और इसके बाद हम बात करते हैं सैमसंग S23 अल्ट्रा की, जिसमें भी क्वाड कोर सेटअप लगा हुआ है जिसमें मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल वाइड, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो और 10 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो है, और ये मोबाइल भी 8K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। अभी हम बात करते हैं इन दोनों मोबाइल्स के सेल्फी कैमरा की, तो दोनों मोबाइल में 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों मोबाइल के चिपसेट की, तो सैमसंग S24 अल्ट्रा में ऑक्टा कोर प्रोसेसर CPU दिया गया है जो कि कॉर्टेक्स X4 के साथ आता है, और सैमसंग में भी और S23 अल्ट्रा में भी ऑक्टा कोर सेटअप दिया गया है जो कि कॉर्टेक्स X3 के साथ आता है। इसके साथ इसके प्रोसेसर की बात करें, इसके बाद इसके चिपसेट की बात करें तो S24 अल्ट्रा में 8 Gen 3 प्रोसेसर लगा हुआ है और सैमसंग S23 अल्ट्रा में 8 Gen 2 प्रोसेसर लगा हुआ है। GPU की बात करें तो सैमसंग S24 अल्ट्रा में एंड्रीनो 750 लगा हुआ है और S23 अल्ट्रा में एंड्रीनो 740 लगा हुआ है। और इनके बेस मेटल और इनके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो S23 अल्ट्रा जो कि एंड्रॉयड 13 के साथ आया था, और सैमसंग S24 अल्ट्रा जो कि एंड्रॉयड 14 के साथ One UI 6.1 के साथ आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों मोबाइल के स्टोरेज की, तो सैमसंग S24 अल्ट्रा में 12GB और 16GB रैम लगी हुई है और सैमसंग S23 अल्ट्रा में 8GB और 12GB रैम है। इसके बाद दोनों स्टोरेज की बात करें तो दोनों मोबाइल में 1TB तक की स्टोरेज यानी कि रोम है, और दोनों में SD कार्ड सपोर्टेड नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों मोबाइल की बैटरी की, तो S24 अल्ट्रा में 5000mAh की बैटरी है और S23 अल्ट्रा में भी 5000mAh की बैटरी है। और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो दोनों में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है, और दोनों मोबाइल 5G नेटवर्क के साथ आते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं इन दोनों मोबाइल के रिजल्ट की, तो सैमसंग S24 अल्ट्रा को मिलते हैं 26 पॉइंट और सैमसंग S23 अल्ट्रा को मिलते हैं 21 पॉइंट्स।